हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। सीए फाउंडेशन में जो नया स्टडी मैट आया है 2022 का, उसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है इंस्टीट्यूट। मतलब ये क्वेश्चन पिछले बार के मैट में, उसके पिछले बार के भी मैट में है, मतलब लास्ट दो तीन मैट जितना भी आया है आईसीएआई के, सभी में वो क्वेश्चन है। और नया मैट, जैसा हम पहले ही बोले हैं, नया मैट डिक्टो 2021 का कॉपी है। लेकिन क्या किया है इस क्वेश्चन में, एक काम को आसान कर दिया है। जो पिछले मैट में था, अगर पुराना मैट आपके पास हो तो आपको पता चलेगा कि सर पिछले मैट में बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता था। जो नया मैट आया है, इंस्टीट्यूट ने उस झगड़े को खत्म कर दिया है। उसने उस झगड़े को खत्म कैसे किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, वो उस गुडविल को बैलेंस शीट से हटा दिया। बोला भाई ना गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होगा, ना बच्चा सवाल पूछेगा कि गुडविल सेल्फ जनरेटेड है या गुडविल परचेज्ड है, इसलिए गुडविल को हटा दिया। तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 4, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट होंगे जिसके पास पुराना मैट होगा, वो अगर अपने पुराने मैट से नए मैट को मैच कराएंगे तो हूबहू कॉपी है, बस इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या, हर उस क्वेश्चन में पार्टनरशिप के जहां पे गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आता था, वहां से वो गुडविल ही हटा दिया। तो हम बोले ठीक है, अगर वो गुडविल बैलेंस शीट से हटा दिया तो हम लोगों के लिए काम आसान हो गया, क्योंकि सर अब गुडविल को लेकर झगड़ा नहीं होगा। आइए पढ़े क्वेश्चन क्या था। लिखा था KL&M आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। KLM तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते थे 5:3:2 में। ड्यू टू इलनेस L वॉन्टेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। L जो है वो रिटायर होना चाहता है ऑन 31 मार्च 2020। कब रिटायर होना चाहता है, 31 मार्च 2020 को। एंड एडमिट हिज सन N इन हिज प्लेस, और L के जगह N जो उसका बेटा है उसको एडमिट कर लेना चाहता है। मतलब ये हुआ सर कि L चला जाएगा, उसके जगह में कौन आके बैठ जाएगा, N आके बैठ जाएगा। उसके बाद एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का। लिखा है लाइबिलिटी साइड में कैपिटल KLM का रिजर्व दिया हुआ है और ट्रेड पेबल दिया हुआ है, टोटल है 2 लाख। एसेट साइड में फर्नीचर है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, कैश एंड बैंक, ये भी कितना है 2 लाख। फिर उसके बाद नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑन L रिटायरमेंट एसेट्स वेयर रीवैल्यू। बोल रहा है जब L का रिटायरमेंट हुआ तो एसेट्स को रीवैल्यू किया गया। फर्नीचर हो गया 10,000 का, बैलेंस शीट में कितने का है 20, हो गया 10। तो सर एसेट्स घट रहा है, तो सर एसेट्स घट रहा है तो हम लोगों का एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेंट्री हो जाएगा 30 का, बैलेंस शीट में देखिए इन्वेंट्री कितने का है 50 का, हो गया 30, तो सर इन्वेंट्री भी घट रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू L वाज पेड ऑफ इन कैश। बोल रहा है जो L का पैसा निकलता है उसका 50% उसको कैश में दे देंगे। एंड द बैलेंस वाज रिटेन इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ N, और जो L का बाकी का 50% बचेगा वो हम लोग N के कैपिटल के नाम से लिख देंगे। मतलब जो नया पार्टनर N आ रहा है उसका कैपिटल कहां से लाया जाएगा, L जब रिटायर करेगा तो जो उसका पैसा बनता होगा उसका 50% पे कर देंगे, और बाकी का 50% सर N के कैपिटल के नाम से लिख देंगे क्योंकि वो उसी का बेटा है। बोले ठीक है। ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल वॉज वैल्यूड 50,000। बोल रहा है गुडविल पूरे फर्म का कितना है 50,000 रुपया। पार्टनर्स आर बींग पेड ऑफ हिज एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट। लीजिए बोल रहा है पार्टनर को क्या करनेंगे, जो एक्स्ट्रा कैपिटल है वो पे कर देंगे ताकि सभी पार्टनर का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। तो सर ये कैपिटल एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन है। बिल्कुल, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। एक तो बोला है जर्नल एंट्री कीजिए, फिर बोला है बैलेंस शीट बनाइए के एम और एन का 1 अप्रैल 2020 को, और फिर बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाइए पार्टनर्स का। तीन काम करना है, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट। ध्यान सुनिएगा,
जर्नल एंट्री तो कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और हम लोग लास्ट में क्या बना रहे होंगे, बैलेंस शीट। चलिए बात करें जर्नल एंट्री में। अगर आप मेरा क्लास शुरू से देखे हैं, क्योंकि हम सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, तो जब हम शुरू से पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे जब जर्नल एंट्री करने बोलता है तो पहले बैलेंस शीट में पड़ा हुआ प्रॉफिट लॉस का एंट्री होगा। जैसे इस क्वेश्चन में रिजर्व रखा हुआ है, और बैलेंस शीट का आइटम किसको मिलता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, नए पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी ओल्ड रेशियो। और फिर हम लोग नीचे में पढ़ पढ़ के जो एडजस्टमेंट रहता है उसका एंट्री करेंगे। आइए बात करें पहले कि सर कितना एंट्री होगा। एकदम आराम से, पूरे बैलेंस शीट में सर सिर्फ रिजर्व है जिसका एंट्री होगा। तो रिजर्व का एंट्री क्या होता था कि सर रिजर्व पार्टनर को बांटेंगे तो रिजर्व होता है प्रॉफिट, बांट देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर है, के एल एम, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 5:3:2 बट जाएगा, पहला एंट्री तो ये कर लेंगे। अब नीचे पढ़ते हैं, लिखा था कि एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है फर्नीचर और इन्वेंट्री का, तो सर फर्नीचर और इन्वेंट्री का रिवैल्यू करने का एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा, क्योंकि फर्नीचर और इन्वेंट्री दोनों ही घट रहे हैं, तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू इन्वेंट्री अकाउंट। उसके बाद तीसरा एंट्री, सर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तीन एंट्री खत्म। आगे बढ़ो सर, उसके बाद गुडविल का एंट्री होगा, जो पार्टनर नया आ रहा है और जो पार्टनर जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है कि न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाएगा, इसीलिए सर हम लोग सीखे हैं कि गुडविल का रिकॉर्डिंग कैसे होता है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। सर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, वर्किंग करके, ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, गेन सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। तो सर फोर्थ एंट्री हो जाएगा गुडविल का। फिफ्थ एंट्री होगा एल को पेमेंट करने का और 50% एन के कैपिटल में ट्रांसफर करने का, और आखिरी एंट्री होगा कैपिटल को परपोसनेट करने का। तो सब मिला के सर 6 एंट्री कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आप एंट्री का सीक्वेंस समझ गए, पहला एंट्री रिजर्व, दूसरा एंट्री रिवैल्यूएशन, तीसरा एंट्री रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, चौथा एंट्री क्या होगा सर, जो गुडविल है वो गेन सेक्रीफाइस पार्टनर को दिया जाएगा, पांचवा एंट्री क्या होगा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका पेमेंट करने का, और जो उसका 50% बचेगा वो एन को कैपिटल में ट्रांसफर करने का, और लास्ट एंट्री क्या होने वाला है, कैपिटल एडजस्टमेंट का। हम बोले हाँ ये 6 एंट्री करना है, उससे पहले सर आपको वर्किंग करना चाहिए। हम बोले आओ वर्किंग करें। क्या होगा वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑफ सेक्रीफाइस। सबसे पहले ओल्ड रेशियो किसका, सर के एल एम का, जो कितना है 5:3:2। उसके अलावा न्यू रेशियो, सर न्यू रेशियो तो दिया हुआ नहीं है। हम बोले दोस्त एल के जगह कौन आ गया, एन, तो रेशियो क्या बन जाएगा सर, के का पहले भी 5 था अब भी 5 रहेगा, एम का पहले भी 2 था अब भी 2 रहेगा, और एन क्योंकि एल का बेटा है तो वो आके अपना 3 हिस्सा ले लेगा। तो सर गेन सेक्रीफाइस आप जो चाहे निकाल सकते, मान लीजिए हम सेक्रीफाइस निकाल, सर रिटायरमेंट है, आप गेन भी निकाल सकते। हम बोले या ये क्वेश्चन ही नॉनसेंस वाला है, आप गेन से निकालो, सेक्रीफाइस से निकालो, फॉर्मूला कुछ भी लगाओ सेम चीज निकलता है। अगर हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर नेगेटिव में आया तो उस पार्टनर को गेन हो रहा है, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो के का ओल्ड रेशियो 5:10, न्यू रेशियो 5:10, तो ना कोई गेन ना कोई सेक्रीफाइस। उसके बाद एल का ओल्ड रेशियो 3:10, एल का कोई न्यू रेशियो तो है ही नहीं, तो सर एल तो सेक्रीफाइस करेगा। उसके बाद एम का ओल्ड रेशियो 2:10, न्यू रेशियो 2:10, कोई सेक्रीफाइस नहीं, और एन का ओल्ड रेशियो तो था ही नहीं, न्यू रेशियो 3:10। देखिए ये नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव सिंबॉलिक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एन को गेन हो रहा है, और कॉमन सेंस का बात है जो पार्टनर रिटायर करेगा उसको तो सेक्रीफाइस ही करना होगा, वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा,
और जो नया पार्टनर आएगा उसको तो हमेशा गेन ही होगा। तो सर सेक्रीफाइस एल को हुआ है, गेन एन को हुआ है, एंट्री क्या होगा गुडविल का, एन कैपिटल डेबिट टू एल कैपिटल। तो चलिए गुडविल निकाले, गुडविल पूरे फॉर्म को कितना दिया हुआ है, गुडविल ऑफ दी फॉर्म सर 50,000, उसमें एल का शेयर, सर एल का सेक्रीफाइस है 3/10, और मजा का बात सर यही एन का भी शेयर होगा क्योंकि एन का भी शेयर गेन कितना है 3/10, तो एन का हिस्सा भी इतना ही होगा। तो एंट्री क्या बनेगा, एन कैपिटल डेबिट टू एल कैपिटल 15,000। बस यही एक वर्किंग था हम लोग का, वर्किंग कर लिए सर, यही एक वर्किंग है, हम बोले नहीं एक कैपिटल एडजस्टमेंट कराएंगे, उसका भी वर्किंग करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक ये हो गया। उसके बाद जब कैपिटल एडजस्टमेंट में पहुंचेंगे तब हम लोग बात करेंगे, फिलहाल आप एक वर्किंग करिए और उसके नीचे लगभग 7-8 लाइन छोड़ दीजिए तो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग खत्म हो जाएगा और वर्किंग का बाद भी पूरा हो जाएगा। लिखिए इसको पहले, चलिए जर्नल एंट्री करना शुरू करें। पहला एंट्री डेट क्या होगा, हम बोले सर रिटायरमेंट हुआ है 31 मार्च 2020, नया बुक में 20। एंट्री कैसे करेंगे सर, पहले बैलेंस शीट का एंट्री होता है, बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट लॉस या रिजर्व हो वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में 50,000 रुपया का रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट होता है मतलब वो क्रेडिट है, पार्टनर को दे देंगे तो सर पार्टनर को जैसे ही देंगे वो क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा और बैलेंस शीट से गायब। ये तो एकदम बेसिक सीखे हम लोग, किसको मिलता है याद रखना है, और हम कई बार बोल चुके हैं बैलेंस शीट का आइटम किसको मिलता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, और ओल्ड पार्टनर कौन है, के एल एम, तो टू के कैपिटल टू एल कैपिटल टू एम कैपिटल। रिजर्व कितने का है 50,000, ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2, तो 25,000 15,000 10,000 नरेशन बी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बैलेंस शीट से और किसी आइटम का एंट्री जी नहीं, और कुछ ऐसा है ही नहीं। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए, पहला ही लाइन में बोला है कि फर्नीचर और इन्वेंट्री दोनों का वैल्यू चेंज हो गया, फर्नीचर हो गया है 10,000 रुपीज का, इन्वेंट्री हो गया है 30,000 रुपीज। बैलेंस शीट से कंपेयर कर लो, बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का दिख रहा है 20 और इंफॉर्मेशन बोल रहा है वो हो गया है 10, तो सर फर्नीचर घट गया 10,000, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स घटने से क्या हो जाता है क्रेडिट, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, और इन्वेंट्री बैलेंस शीट में है 50 और इंफॉर्मेशन में बोल रहा है वो हो जाएगा 30, तो सर 20,000 से इन्वेंट्री भी घट जाएगा तो सर वो भी क्रेडिट करेंगे, वो भी तो एसेट्स है, तो फर्नीचर क्रेडिट हो गया, इन्वेंट्री भी क्रेडिट हो गया, एसेट्स घट गया, फायदा या नुकसान, सर ऑफ कोर्स लॉस है, एसेट्स घटना कहां फायदा है, तो एसेट्स घटने से जो लॉस हुआ है वो लॉस तो डेबिट होगा, लॉस का नाम क्या होगा रीवैल्यूएशन। तो सर दूसरा एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या घटा फर्नीचर और क्या घटा इन्वेंट्री, फर्नीचर 10,000 रुपीज से इन्वेंट्री 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज से एसेट्स का रिवैल्युएशन बी फर्नीचर एंड इन्वेंट्री रीवैल्यू।
उसके बाद और कोई रिवैल्यूएशन नहीं, तो सर रिवैल्यूएशन का लॉस किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो सर ये लॉस डेबिट है, दे देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, तो सर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिएगा। मिलेगा किसको? ओल्ड पार्टनर KLM को, तो K कैपिटल डेबिट। L कैपिटल डेबिट और M कैपिटल डेबिट। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कितने का लॉस है? 30, यही 30, और कोई रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है। किस रेशियो में बटेगा? 5-3-2, तो 15,000, 9,000, 6,000 बी रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। इन द रेशियो ऑफ 5-3-2, सर ये भी हो गया। अगला एंट्री किस चीज? सर अगला एंट्री गुडविल का। क्या एंट्री होगा? सर जो गेन किया है वो डेबिट, एन को गेन हुआ है तो एन कैपिटल डेबिट, और जो सेक्रीफाइस किया है वो तो एल है तो एल कैपिटल क्रेडिट। कितना रुपया का? 15,000। बी गुडविल एडजस्टेड, तो ये हो गया चार एंट्री। अब क्या एंट्री बाकी है? सर एक तो एल को पेमेंट करने का 50% और बाकी का 50% एन के कैपिटल में ट्रांसफर करने का, हम बोले हाँ। और छठा एंट्री किस चीज का बाकी है? कैपिटल को एडजस्ट करने। तो पहले ये चार एंट्री लिखो, इधर का बात हम मिटा देंगे। लिखिए, चलिए अगला एंट्री फिफ्थ नंबर। तो सर फिफ्थ नंबर एंट्री वही 31 मार्च 2020। सबसे बड़ा बात क्या कि सर एल का कितना पैसा है? हम तो निकाल लो, क्या दिक्कत? हम बोले सर कितना पैसा एल का है वो निकालिए। तो हम बोले सर एल का कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में, एल का पैसा देना है तो सर जो जो एल का पैसा है उसको जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले तो एल का बैलेंस शीट में कितना पैसा रखा हुआ है? 60,000। कि सर 60,000 रुपया एल को देना है? हम बोले हां। उसके बाद एंट्री में एल का नाम ढूंढ लो, क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी होता है, तो जितना बार एल का नाम क्रेडिट होगा उतना बार जोड़ देंगे और जितना बार डेबिट होगा उतना बार माइनस कर देंगे। तो सर एल का नाम से क्रेडिट हुआ कितना? 15,000। ये क्या था? हम बोले रिजर्व। और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी, सर एल डेबिट हुआ है तो वो माइनस कर दीजिए। ये क्या था? रिवैल्यूएशन का लॉस, अमाउंट इज 9,000, तो सर ये तो माइनस होगा। फिर देखो एल क्रेडिट हुआ है, सर फिर से प्लस, गुडविल का पैसा कितना? 15,000, तो कितना आया? 81,000। ये है एल का ड्यू, इतना पैसा एल का निकल रहा है जब वो रिटायर करके बिजनेस छोड़ के जा रहा है। क्वेश्चन बोला है इसका 50% पे कर देंगे, कि सर 50% क्या कर देंगे? पे, और रिमेनिंग 50% सर ये एन के नाम से चढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो पे करेंगे तो 40,500 और एन के नाम से कितना? 40,500। तो सर एंट्री होगा एल कैपिटल डेबिट। सर डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। हम कौन है? हम है बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म। हम बोले एल तुम्हारा 81,000 रुपीज निकलता है, एल बोला ठीक हम, और एल को हम कितना पे कर देंगे? 40,500 और बचा हुआ 40,500 उसका जो बेटा आया है उसके नाम से कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा करने से एल का जो लायबिलिटी बिजनेस में है वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगा,
तो लाइबिलिटी खत्म होता है तो सर डेबिट होता है, वही किए हैं कि सर एल को डेबिट कर दीजिए। बिजनेस के प्रति, बिजनेस का जो एल के प्रति लाइबिलिटी था वो खत्म हो गया। टू, बैलेंस शीट में बैंक का नाम है या कैश का, सर कैश बैंक करके लिखा है तो आप लिख दो टू कैश 40,500। और बचा हुआ पैसा कहां ट्रांसफर कर दिए, एन के नाम से टू एन कैपिटल नरेशन बी एल कैपिटल से। एल का कैपिटल सेटल। अब नया पार्टनर का कितना पैसा लग चुका है बिजनेस में, 40,500 रुपया। सिक्स्थ एंट्री किस चीज का, कैपिटल एडजस्टमेंट का। और कैपिटल एडजस्टमेंट तब हो पाएगा जब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उससे पहले नहीं कर पाइए। तो सर ये वाला एंट्री का स्पेस कितना लाइन छोड़ दे, सर 4 लाइन छोड़ दो, बस 4 लाइन छोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वहां से निकलेगा हम लोग का कैश का बैलेंसिंग फिगर जो हम लिख पाएंगे। पहले आप यहां तक लिख लो। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो हम लोग का सॉल्यूशन का एक पार्ट है, इसको बनाया जाए। कैसे बनाते हैं पार्टनर कैपिटल, सर सबसे पहले बैलेंस शीट से जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम होता है वो लिख देते हैं। क्या रिलेटेड होता है पार्टनर से, सर कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद नीचे क्या इंफॉर्मेशन में मेनली सर एक रिवैल्यूएशन का बात मिलेगा, दूसरा सर गुडविल का बात मिलेगा, तीसरा सर कैसे जो ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सेटलमेंट का बात मिलेगा, बस इतना ही बात मिलने वाला है। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट में सर जो कैपिटल दिया हुआ है वो लिख ले, बाय बैलेंस बीडी अमाउंट 40,60,30। रिजर्व बाय रिजर्व 25, 15 और 10। उसके बाद नीचे में गए तो रिवैल्यूएशन का लॉस मिला, टू रिवैल्यूएशन, क्या है ये लॉस 15,9,6। तो सर ये भी हो गया। और क्या मिलेगा, हम बोले सर गुडविल का बात, एंट्री याद है N डेबिट टू L, तो N डेबिट हुआ था तो N के डेबिट साइड में L कैपिटल 15,000 और बाय L क्रेडिट हुआ था तो बाय N कैपिटल पैसा L। फिर हम लोग पे किए थे तो टू कैश L को पेमेंट हुआ था 40,500 और एन के में कैपिटल आया था बाय एल कैपिटल 40,500 टू एन कैपिटल 40,500। तो सर इतना सारा बात हो गया था। अब हम निकालेंगे बैलेंस शीट, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हुआ है सर ये तो हो गया 90,000 और इधर भी जोड़िए 90,000। सर ये वाला बात हम लोग पहले ही डील कर लिए थे इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद एन का पैसा 40,500, ये है 40,000 और ये है 65,000। माइनस तो 25,500, 34,000, 65 में गया तो सर 50,000। अब एक लाइन नीचे, अब हम लोग करना है कैपिटल का एडजस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा सीडी को पहले क्या करेंगे बीडी, क्योंकि सर ये सीडी तो गलत है, क्वेश्चन बोला है कैपिटल जो है अपने प्रॉफिट के रेशियो में प्रोपोर्शनेट हो जाए, तो बाय बैलेंस बीडी कितना है 50
दूसरे का तो है ही नहीं, एम का है 34 और एन का है 25,005। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एन नया पार्टनर है तो एन का कैपिटल कितना है, 25,500 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि एन का तो इतना ही पैसा बचा हुआ है ना, 25,500, तो यही उसका कैपिटल है, एन का कैपिटल सॉरी 25,500 है। और एन का शेयर कितना है सर, एन का शेयर तो है 3/10। तो हम लोग तो सीखे हुए कि सर न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेकर के कैपिटल ऑफ दिस फर्म निकाल सकते हैं, सर टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं फर्म 25,500 इनटू, इसका रिवर्स कर देते थे। जो लोग शुरू से देख रहे होंगे क्लासेस पार्टनरशिप का, उनको पता है कि हां सर टोटल कैपिटल कैसे निकाला जाता है, कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। आइए, ये कितना आ जाएगा 85,000। तो 85,000 क्या है, टोटल कैपिटल। तो सर इसी टोटल कैपिटल को के एम और एन के बीच बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो के एम और एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3। तो के का कैपिटल 85,000 में 5/10 कितना आया, 42,500। एम का कैपिटल 85,000 2/10 17,000 और एन का तो वही रहेगा 25,500। तो ये जो निकला है 42,500 17,000 एंड 25,500, ये है कैपिटल जो कि रेशियो के प्रोपोर्शन में है, जिसका जितना रेशियो है उतना ही कैपिटल है। तो ये है करेक्ट बैलेंस सीडी, ये वाला बैलेंस सीडी क्या था, इनकरेक्ट। तो इस बैलेंस सीडी को कैंसिल कर दिए हम बीडी करके, सर ये कैंसिल हो गया, अब लिखो करेक्ट बैलेंस सीडी कितना, 42,500 17,000 और 25,500। आइए थोड़ा स्क्रीन नीचे करें ताकि आपको सारा बात दिखाई दे। एन का दोनों साइड बराबर, एम का 34,000 तो 17,000 रुपये एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन बोला है कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए एक्सेस पेमेंट कर दिया जाएगा, जो एक्सेस अमाउंट है, तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर। तो सर एम को 17,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, के का क्रेडिट साइड अधिक है तो सर के को पेमेंट करना पड़ेगा 7,500, ये भी पे हो गया। तो इसी का एंट्री जो हम रोक के रखे थे, जो अब हम करेंगे, एंट्री क्या बनेगा सर, पेमेंट करना है के को और एम को। जब पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो के कैपिटल डेबिट, एम कैपिटल डेबिट टू कैश। के को पेमेंट की कितना 7,500, जब हम के को 7,500 का पेमेंट किए तो उसका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गया रेशियो के, और एम को पे कितना किए 17,000 टू कैश 24,500 बीम एक्सेस कैपिटल पेड, जो एक्सेस कैपिटल था उसका पेमेंट कर दिए, और पेमेंट करने से उनका कैपिटल क्या हो गया, जो कैपिटल अब आया है 42,500 17,000 और 25,500, वो किस रेशियो में बन गया है सर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बन गया है, उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गया।
तो ये था हम लोग का क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बात कि सर एडजस्टमेंट को कैसे करना था, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट एडमिशन में बहुत बार सीख चुके हैं कि सर जो नया पार्टनर होता है उसी के कैपिटल से और उसके शेयर से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल ऑफ द फर्म, और फिर उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वही बन जाता है हम लोग का बैलेंस शीट। ये हम पहले बहुत बार सिखा चुके हैं। लिखिए, चलिए लास्ट पार्ट बना है इसका, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनता है? सर पुराना बैलेंस शीट को ही हम लोग देख करके नया बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पुराना बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या है? फर्नीचर। कितने का है? 20। उसके बाद अगला आइटम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, TR। कितने का? 50। उसके बाद अगला आइटम इन्वेंट्री, 50। और फाइनली क्या है? कैश एंड बैंक। ये कितने का है? 80। कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल होगा? जो बैलेंस सीडी है वो वाला। सर बैलेंस सीडी में K है, M है और N है, जो कि 42,500, 17,000 और 25,500, टोटल 85,000। उसके अलावा ट्रेड पेबल जो कि है 20,000। फर्नीचर में रिवैल्यूएशन हुआ था कितने का? 10,000 का। फर्नीचर घट गया तो सर रिवैल्यूएशन के नाम से माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 10। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला है, बाहर कर दो। इन्वेंट्री भी रिड्यूस हो गया था कितने रुपए से? 20,000। सर ये भी बचेगा 30। कैश पे बात करें, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको पेमेंट किए, एल को पे किए, कितना? 40,500। उसके अलावा के को भी पे किए, कितना? 7,500 के को पे किए। और फिर एम को भी पे किए, कितना? 17,000। तो सर जितना पैसा से हम पेमेंट करते गए उतना से मेरा कैश घटते गया। आइए देखें कैश में कितना पैसा बचा हुआ है लास्टली। तो 80,000 माइनस 40,500 माइनस 7,500 माइनस 17,000, कितना बचा? 15,000। और अगर सही होगा तो ये मैच कर जाना चाहिए, ये तो जोड़ के आ रहा है 1,05,000। उधर देखिए 50 + 10 60 + 30 90 + 15 1,05,000 मैच कर गया। तो ये था हम लोग का इलुस्ट्रेशन नंबर 4, जो पिछले साल भी था, पिछले भी जितने भी प्रीवियस मैथ्स में है सब में ये क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, इस क्वेश्चन को और इजी कर दिया गया कि पिछले मैथ के क्वेश्चन में गुडविल बैलेंस शीट के अंदर था 50,000 का, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट से वो गुडविल ही हटा दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन और आसान हो गया कि सर अब गुडविल का चिंता करना ही नहीं पड़ेगा कि बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है। लिखिए, चलिए अगला जो क्वेश्चन चेंज किया है ICAI ने वो है इलुस्ट्रेशन नंबर 11। 2021 में भी ये क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन 2022 के भी मैट में। द ओनली डिफरेंस कि सर जो 21 का मैट था उसके अंदर गुडविल बैलेंस शीट के इनर कॉलम में आपको दिखता था कि सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल था, इंस्टीट्यूट उस गुडविल को हटा दिया। बस यही चेंज है इस साल के मैट में, इसलिए हम बोले कि 21 का स्टूडेंट कुछ भी ना करे, बस वो गुडविल का बात भूल जाए कि सर गुडविल होगा ही नहीं तो ट्रीटमेंट का झमेला ही नहीं है, बस वही बदला है, इसलिए हमको फिर से बनाना पड़ रहा है इस क्वेश्चन को। लिखा है सत्यम शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर्स ऑफ MS ग्रेट स्टेशनरी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। सत्यम शुभम सुंदरम तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 1:1:2 का। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है तीनों पार्टनर का, जनरल रिजर्व है, लोन फ्रॉम सत्यम है, सन्ड्री क्रेडिटर है।
एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है और बैंक है, टोटल है 7,04,000। तो इस क्वेश्चन में एसेट साइड में गुडविल नहीं है, पिछले साल के मैट में एसेट साइड में गुडविल था, तो क्वेश्चन आसान हो गया। नीचे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 शिवम रिटायर ऑन द फॉलोइंग टर्म। शिवम रिटायर हो गया, कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 को। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹1,20,000 बट द सेम विल नॉट अपेयर एज एन एसेट्स इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो सर गुडविल पूरे फर्म का 1,20,000 है, क्या एंट्री होता है? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। नंबर टू, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है। थ्री, इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। सत्यम बोला कि जो लोन का अमाउंट है उसके बदले हमको क्या दे दो? इन्वेस्टमेंट दे दो, हम छोड़ देंगे बाकी सारा लोन का पैसा। तो सर सत्यम लोन, सत्यम का जो लोन है वो क्या ले गया? इन्वेस्टमेंट, मतलब एक लाइबिलिटी एक एसेट्स को ले जा रहा है। फोर्थ नंबर, प्रोविजन बनाना है 5% का ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर टू कवर डाउटफुल डिप, तो सर ये भी रिवैल्यूएशन का पार्ट है। पॉइंट नंबर फाइव, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म टोटल कैपिटल विल बी 3 लाख, बोल रहा है पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा? 3 लाख रुपीज का, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय सत्यम एंड सुंदरम इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:3। तो सर सत्यम और सुंदरम का न्यू रेशियो भी दे दिया है 2:3। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो पैसा निकलेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब है रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एवव एडजस्टमेंट, बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाइए। जर्नल एंट्री का जहां तक बात करें तो हम लोग सभी एंट्री कर लेंगे, लेकिन दो एंट्री हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक, जो पैसा रिटायरिंग पार्टनर का लोन में ट्रांसफर होगा वो, और दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, उसको किस रेशियो में दे देना है? 2:3। तो सर वो बैलेंस सीडी है जो कि हम लोगों को 2:3 में दे देना है। जब बैलेंस सीडी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक पार्टनर के अंदर एक डिफरेंस आएगा जिसका नाम क्या होगा? बैंक, कि सर जिस पार्टनर का पैसा घट रहा होगा वो लेके आएगा और जिस पार्टनर का पैसा एक्सेस होगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक हम लोग नहीं एंट्री कर पाएंगे, किस चीज का? कि सर जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका कितना पैसा लोन में जाएगा। हालांकि वो निकाला जा सकता है, लेकिन वो वाला पैसा जो कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा वो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग को वर्किंग के नाम पे सर पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ेगा। बिना पार्टनर कैपिटल बनाए ये मुश्किल होगा कि आप बैलेंस शीट बना पाओ, समझ रहे? हाँ, एंट्री कर पाओ। चलिए सबसे पहला वर्किंग तो वही गेन सेक्रीफाइस निकालो, ये तो करेंगे ही। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ऑफ सत्यम शिवम और कौन है? सुंदरम। जो कि है 1:1:2 और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। किसका? सर सत्यम और सुंदरम, शिवम तो रिटायर हो गया। जो कि है 2:3। तो सर गेन निकाल लो। गेन का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, तो सत्यम का न्यू रेशियो 2:5, सत्यम का ओल्ड रेशियो 1:4, शिवम का न्यू रेशियो है ही नहीं, ओल्ड रेशियो 1:4। तो सर ये किया है सेक्रीफाइस और ये किया है गेन।
क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया, और सुंदर न्यू रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 2/4, ये हो गया गेन। तो सर ये कहां पे काम आएगा? गुडविल का एंट्री में। सत्यम डेबिट, सुंदरम डेबिट और शिवम क्रेडिट। गुडविल पूरे फॉर्म में कितना है? 1,20,000। तो सर इसी प्रपोर्शन में निकाला जाए। अब हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री किसका होता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का एंट्री। सर बस एक ही चीज है, वो है जर्नल रिजर्व 80,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो सर यहां लिखिए, फॉर्मेट बनाइए, जर्नल एंट्री। डे पर्टिकुलर कब से रिटायरमेंट हुआ है? सर 1 अप्रैल 2020। सारा एंट्री इसी दिन। पहला एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व डेबिट। जो कितने का है? 80,000। टू किसको मिलेगा? सर पार्टनर, सत्यम कैपिटल डेबिट, शिवम कैपिटल डेबिट, सुंदरम कैपिटल डेबिट। किस रेशियो में? 1:2। सर 20:20:40। नरेश बी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। उसके बाद बैलेंस शीट में ऐसा और कोई आइटम नहीं है जिसका एंट्री हो पाए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और पढ़ पढ़ के एंट्री करेंगे। पहला है गुडविल का बात। सर गुडविल का एंट्री की क्या एंट्री होगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट, सत्यम डेबिट, सुंदरम डेबिट। सत्यम कैपिटल डेबिट, सुंदरम कैपिटल भी डेबिट, टू शिवम कैपिटल। एक लाख बीस हजार में सत्यम का गेन कितना है? 3/20। 1,20,000 में सुंदरम का गेन कितना है? 2/20। और 1,20,000 में शिवम का सेक्रीफाइस कितना है? 1/4। तो 30,000, 18,000, 12,000 बीइंग गुडविल एडजस्ट। सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि इस 30,000 को हम गेन रेशियो 3:2 में बांटते? हम बोले हाँ भैया कर सकते हैं, आप कैसे भी कीजिए, यही पैसा आएगा और यही एंट्री होगी। करने का 50 तरीका कर सकते हैं, आएगा ये। सेकेंड पॉइंट, बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो जाएगा और प्लांट 10% से डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो सर बिल्डिंग को एप्रिशिएट कराइएगा तो एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग बढ़ गया। टू रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग बैलेंस शीट में है 2,50,000, उसका 20% 50,000। बी बिल्डिंग रीवैल्यू। नेक्स्ट बोला है प्लांट डेप्रिशिएट हो जाएगा 10% से। प्लांट का वैल्यू है 1,60,000, उसका 10% 16,000 इंट्री। सर प्लांट घट रहा है तो प्लांट को क्रेडिट कर देंगे, इंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट।
और अगर आप चाहें तो एक शॉर्टकट ले सकते हैं कि सर पॉइंट नंबर 4 में प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन भी लिख लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि वो भी तो घटेगा ही, तो सर 5% तो प्लांट पे लिख दीजिए 16,000। एक शॉर्टकट हो गया कि सर उस पॉइंट का अलग से एंट्री नहीं करना पड़ेगा आपको। और ट्रेड रिसीवेबल है 68,000 का, उसका 5% 3400 जोड़ करके कितना आ जाएगा 19,400। बीन प्लांट एंड ट्रेड रिसीवेबल रिवेन्यू, ये भी हो गया। उसके बाद इधर मिटाना पड़ेगा, इसका यूज नहीं है हमको, अब लिखिए पहले यहां पर। अगला एंट्री सेम 1 अप्रैल 2020 चल रहा। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट सत्यम का लोन ले जाएगा फुल सेटलमेंट। तो सर लोन अगर ले जाएगा तो लोन का लायबिलिटी खत्म, तो लोन को डेबिट कर दीजिए, लायबिलिटी खत्म हो गया लोन का। क्या ले जाएगा, इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट ले जाएगा तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स भी खत्म। लोन कितने का है 94,000, जबकि इन्वेस्टमेंट कितने का है 85,000। बताओ 85,000 दे करके 94 का लायबिलिटी खत्म करा दिए, फायदा या नुकसान? ऑफ कोर्स प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का नाम रीवैल्यूएशन। कितने का प्रॉफिट हो गया 9,000। बी इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय सत्यम लोन, ये भी हो गया। और बताओ सर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हो चुका है, यहीं पे डील कर लिए थे। फिफ्थ नंबर में बोला है टोटल कैपिटल है बिजनेस का 3 लाख, जो कि पार्टनर 2:3 में जो रिमेनिंग पार्टनर है सत्यम और सुंदरम उनका कैपिटल इस रेशियो में इस 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ये पार्टनर कैपिटल में बनाएंगे तब आएगा काम। और फिर बोल रहा है जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका पैसा लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, वो तो निकाल पाए नहीं, वो भी निकालना पड़ेगा, कैपिटल बनाएंगे तब निकलेगा। तो सर चलिए रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का एंट्री कर लीजिए, वो तो निकाल सकते हैं। बोले बिल्कुल आओ ढूंढे। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 50,000, बोले हाँ। रिवैल्यूएशन का डेबिट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, क्रेडिट कितना हुआ है 50, डेबिट हुआ है 19,400, उसके बाद क्रेडिट हुआ है 9,000। तो सर ये तो हो गया 59 और ये हो गया 19,400 प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट अधिक। माइनस कीजिए तो सर ये आ जाएगा 39,600 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर को। एंट्री प्रॉफिट दे दिए तो सर प्रॉफिट डेबिट कर दो, देने से प्रॉफिट खत्म। प्रॉफिट ये मत सोचिएगा सर प्रॉफिट क्रेडिट होता तो आप डेबिट क्यों कर रहे। हम बोल रहे हैं भाई प्रॉफिट बिजनेस के पास रहेगा तब क्रेडिट है, जो मेरे पास था वो अगर हम दे दें तो बिजनेस से वो खत्म, तो बिजनेस को डेबिट कर दिया। और किसको दे दिया, सत्यम शुभम सुंदरम को, सत्यम कैप शिवम कैप और सुंदरम कैपिटल। प्रॉफिट कितना है 39,600। उसके बाद किस रेशियो में बांटेंगे सर, बी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो में, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 1:1:2। तो चलिए 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और देखा जाए 39,600 डिवाइडेड बाय 4, 9,900 सत्यम को, 9,900
शिवम को और 19,800 सुंदरम, ये भी हो गया। अब हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा किस चीज का? सर आपको वर्किंग बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और तब जाकर के वो निकाल पाएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कितना निकलता है, और उस 3,00,000 रुपया को एडजस्ट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर बैंक कितना निकलता है। तो वही दो एंट्री हम लोग का बाकी है, बाकी सारा एंट्री हो गया है, लिखिए। इसके बाद आपको कितना जगह छोड़ देना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको मोर देन 13-14 लाइन, मतलब हाफ पेज से भी अधिक छोड़ेंगे, हो सकता है 2 से 3 एंट्री हो जाए, तो 2-3 एंट्री के लायक आपको जगह छोड़ना है, 12-14 लाइन छोड़ दीजिए। चलो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? सर जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वहां से जो पार्टनर को बिलोंग करता है, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व। तो कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल लिख दो क्रेडिट साइड में, बैलेंस बी 1,95,000, शिवम में है 1,48,000 और सुंदरम में है 1,12,000, रिजर्व बाय जर्नल रिजर्व 80,000, तो 20-20-40 ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर। फिर नीचे के इंफॉर्मेशन से क्या मिलने वाला है? एक तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लो, तो सर रीवैल्यूएशन का तो प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 9,900 और 19,800। और क्या मिलने वाला है? गुडविल, सर ये रहा गुडविल, सत्यम डेबिट, सुंदरम डेबिट, तो डेबिट में दोनों का पैसा लिखेंगे, नाम किसका आएगा? शिवम, शिवम कैपिटल, सत्यम में 18, सुंदरम में 12। और दूसरा बार सर शिवम के क्रेडिट में पैसा आएगा, नाम किसका लिखेंगे? सत्यम का और सुंदरम। कैपिटल पैसा किसमें जाएगा? शिवम 18,000, 12,000। और बताइए, और क्या बताए, और कुछ रहेगा तब तो बताएंगे। हाँ, बैलेंस सीडी क्वेश्चन खुद बता दिया सर, बैलेंस सीडी बता दिया। हम बोले हाँ, पॉइंट नंबर 5 में पढ़ो, इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, मतलब शिवम के जाने के बाद जो फर्म हो गया है वो रिकंस्टिट्यूट हो गया, नया बन गया फिर से, टोटल कैपिटल विल बी 3,00,000। टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 3,00,000, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय सत्यम एंड सुंदरम इन देयर न्यू रेशियो ऑफ 2:3। 3,00,000 रुपया कैपिटल होना चाहिए सत्यम और सुंदरम का, जो कि वो 2:3 में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम बोले सर समझिएगा बात, 3,00,000 होना चाहिए इनका कैपिटल, तो जो बैलेंस बचेगा वही तो कैपिटल होगा, वो किस रेशियो में होगा? 2:3। तो 3,00,000 रुपया को 2:3 में बांटिए सर, 1,20,000 और 1,80,000। और सर शिवम का क्या होगा? उसका पैसा तो लोन में ट्रांसफर, ये बात क्वेश्चन बोल, लोन का पैसा अब निकल जाएगा हम लोगों का। सबसे पहले शिवम का हिसाब किताब कर ले कि सर उसका पैसा लोन में कितना, 1,48,000 प्लस 20,000 प्लस 9,900 प्लस 18,000 प्लस 12,000, ये आएगा 2,07,900। तो सर एक एंट्री तो आप इसका करिएगा, हम बोले हाँ। अब बात करते हैं सर, जो सत्यम है उसका डेबिट में है 1,38,000 जबकि क्रेडिट अधिक है, तो बैंक इधर आए सत्यम का, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर।
जोड़े 195,000 प्लस 20,000 प्लस 9,900, ये आएगा 224,900, 224,900 माइनस 120,000 माइनस 18,000, तो सर 86,900 का पेमेंट करना पड़ेगा किसको, सत्यम को, ताकि उनका कैपिटल इस रेशियो में बन जाए। सुंदरम का डेबिट साइड का पैसा अधिक है 192,000, सर यहां लिखिए बाय कैश बैंक बैलेंसिंग फिगर, वन लैख 92,000 माइनस 112,000 माइनस 40,000 माइनस 19,800, 20,200, ये भी हो गया। अब बात करते हैं कि कौन सा वो तीन एंट्री है सर जो आप नहीं कर पा रहे थे। एक तो लोन में कितना पैसा जाएगा उसका, अब निकल गया है, तो शिवम जो रिटायर हुआ है उसका कैपिटल का लाइबिलिटी खत्म कर देंगे और एक नया लाइबिलिटी क्या बना लेंगे, लोन का। तो सर अगला एंट्री जो आप कीजिएगा वो होगा शिवम कैपिटल डेबिट टू शिवम लोन। सर शिवम क्योंकि अब पार्टनर नहीं रहेगा तो उसका जो भी पैसा निकलता है वो उसके मालिकाना नाम से ना जान के लोन के नाम से जाना जाएगा, तो लायबिलिटी कैपिटल का खत्म और किस नाम का नया लायबिलिटी आ जाएगा, लोन नाम। बी शिवम कैपिटल ट्रांसफर टू इज लोन, एक तो ये। उसके बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है, सत्यम को पैसा लौटाना पड़ेगा और सुंदरम से पैसा मिलेगा बिजनेस, तो सर पैसा मिला सुंदरम से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल कितने का, 20,200। बी कैश अमाउंट कैश इंट्रोड्यूस बाय सुंदर किस लिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ताकि उनका कैपिटल 3,00,000 रुपया हो जाए 2:3 के रेशियो में। और लास्टली सत्यम को पेमेंट किए, सर पेमेंट किए तो लायबिलिटी खत्म, सत्यम कैपिटल डेबिट टू बैंक को मिटा दिया, कितना पैसा होगा 86,900। और अब हम लोग का जर्नल एंट्री पूरा खत्म हो गया, बी कैश पेड टू एंट्री का पोर्शन खत्म, जिसका हेल्प लेना पड़ा हम लोग को दो एंट्री करने के लिए, कि सर दो एंट्री करने के लिए आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर आपसे नहीं निकलता और लोन का अमाउंट आपसे नहीं निकलता। हालांकि लोन तो आप चाहे तो निकाल लेते लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर बिना इसके बनाए दिक्कत होता। तो ये हुआ हम लोग का एंट्री का पार्ट खत्म। अभी सोल्यूशन में एक पार्ट और बोला है, वो क्या बोला है, बैलेंस शीट। तो सर अब हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं, पहले यहां तक लिखिए। चलिए बैलेंस शीट के साइड में आए, बैलेंस शीट कैसे बनेगा सर, ओल्ड बैलेंस शीट को देख के और कैसे बनेगा, चलिए शुरू किया जाए। ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट बिल्डिंग, पैसा को इनर कॉलम में लिख, क्यों, क्योंकि सर इसमें कुछ रीवैल्यूएशन का बात हुआ। नेक्स्ट प्लांट, प्लांट 160,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, वो तो पार्टनर ले गया है तो है ही नहीं, स्टॉक 45,280, ट्रेड रिसीवेबल 68,000, और लास्टली बैंक
95,720। कैपिटल, कैपिटल कौन सा आएगा? सर वो जो बैलेंस सीडी निकाले थे ना, कहां पार्टनर कैपिटल में, वहां से आए। सत्यम कितना है? 1,20,000। और सुंदरम कितना है? 1,80,000। सब मिला के 3,00,000। रिजर्व हट गया, लोन फ्रॉम सत्यम, सर वो तो खत्म हो गया क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ले गया, तो इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया, लोन भी खत्म हो गया। क्रेडिटर बस हो गया 75,000। रीवैल्यूएशन का बात एडजस्ट कीजिए, सर बिल्डिंग इंक्रीज कर गया कितने से? 50,000, 20%। तो ये तो हो गया 3,00,000। प्लांट भी सर घट गया था कितने से? 10%, 16,000 घटा दी। तो ये आएगा 1,44,000। स्टॉक का नाम कहीं नहीं है तो ऐसे ही बाहर कर दो, 45,280। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी रीवैल्यू हुआ था और 5% से घट गया था। और बैंक, सर बैंक में देखो पैसा आया है और पैसा गया है, तो जो आया है वो प्लस। कौन दिया है पैसा? सुंदरम कितना? 20,200। और सत्यम को पेमेंट हुआ है कितना? 86,900। और कोई चीज सर? जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका लोन का पैसा, रिटायर हुआ है शिवम, शिवम का लोन का पैसा कितना? लोन निकाले थे 2,07,900। और कोई चीज नहीं। चलिए प्लस माइनस करें, अगर सही होगा तो ये मैच कर जाए। पहले बैंक का पैसा बाहर कर ले, 95,720 प्लस 20,200 माइनस 86,900, बाहर आएगा 29,020 रुपी। जोड़ा जाए 3,00,000 प्लस 1,44,000 प्लस 45,280 प्लस 64,600, ये आएगा 5,82,900। आओ लाइबिलिटी साइड देखें, 3,75,000, 2,07,900 मैच कर गया, 5,82,900। तो ये था हम लोगों का रिटायरमेंट चैप्टर से इलुस्ट्रेशन नंबर 4 और इलुस्ट्रेशन नंबर 11, जिसमें इंस्टीट्यूट क्वेश्चन तो वही रखा है, बस एक आइटम जो गुडविल था उस गुडविल को बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया, वरना सेम क्वेश्चन प्रीवियस मैथ्स में भी दिया हुआ है। लिखिए।